हेलो साहिल, हेलो सर। कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल फॉर सिक्योरिंग 81 रैंक इन नीट 2020। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके साहिल, कैसा फील कर रहे हैं 700 मार्क्स सिक्योर करने के बाद? 700 मार्क्स सिक्योर करने के बाद तो बहुत बढ़िया फील होता है। मतलब इसके पहले शायद फर्स्ट रैंक थी 701 पे, और इस साल तो 700 पे काफ़ी सारे रैंक थे, तो 700 स्कोर करके बहुत अच्छा फील होता है। मतलब कि जो मैंने मेहनत की थी उसका फल मिला। ओके, तो साहिल हम पूरी सारी बातें करेंगे आपके साथ। तो साहिल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी जर्नी रही है नीट 2020 को लेकर। बिल्कुल जो आपकी जर्नी स्टार्टिंग से थी, हम वहीं से आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे। सो साहिल, पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। जी सर, मैं मायसेल्फ साहिल राहुल जैन, मैं महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर इंजीनियर है और एंड माय मॉम इज़ अ डॉक्टर, वो जनरल फिजिशियन है। तो मैं एक बेसिकली स्मॉल टाउन से हूँ और मैंने अपनी 11th 12th की जर्नी कोटा से की थी। ओके गुड। सो साहिल, हम अभी आपकी 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। सो साहिल, आपने 10th क्लास कहाँ से की थी? 10th क्लास मैंने यही से जलगांव महाराष्ट्र में टाउन है चालीसगांव, वहाँ से की थी। 10th क्लास में मेरे 97.2% थे। ओके गुड। सो साहिल, आपने मेडिकल ही चूज़ क्यों किया आपका आगे? मेडिकल बेसिकली चूज़ करने का कारण ये था कि बचपन से मेरे दादाजी भी डॉक्टर है, तो मैंने उनको बचपन से ही देखा है, तो बहुत उनको लोग रिस्पेक्ट देते थे। और मतलब मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं कुछ भी करके लोगों की हेल्प कर सकूं, एंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आई विल श्योरली गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एवरीवन। ओके गुड। सो आपने जब नीट के लिए प्रिपेयर करना कब से स्टार्ट कर दिया था? एक्चुअली मैंने नीट के लिए प्रिपेयर करना क्लास 11th से स्टार्ट किया था। 10th के बाद मैं कोटा शिफ्ट हुआ था, तो फिर मैंने वहाँ से ही 11th टोटल 2 साल मैंने नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया। ओके, तो जो आपने 10th के बाद आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, तो आपने 10th से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को MBBS करना है, नीट देना है? हाँ, बेसिकली 10th से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को MBBS करना है आगे चल के, क्योंकि मैं मेरे दादाजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, सो पहले डिसाइडेड था। ओके, सो आपने जब नीट के लिए प्रिपेयर करने स्टार्ट किया, तो उस टाइम आपने कितना टारगेट रखा था कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं? ऐसा कोई मैंने स्पेसिफिक टारगेट तो नहीं रखा था, बस ट्राई ये करता था कि टॉप 10 में अपनी जगह बना सकूँ। और मतलब कोशिश तो ये सबका यही ड्रीम रहता है कि एम्स में हो जाए, तो बस यही कोशिश रहती थी कि जितना मेरे से हो सके आई शैल डू माई बेस्ट। ओके, तो आपको एम्स दिल्ली चाहिए? एम्स दिल्ली चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी 81 रैंक पे शायद से मुश्किल हो जाएगा, तो मौलाना आज़ाद मिलेगा, तो दैट्स फाइन कॉलेज। ओके सो अभी आपकी जो प्रिपरेशन टाइम था, उसके अंदर जो आपका शेड्यूल रहता था, आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे हमें? हाँ जी सर, शेड्यूल तो मेरा यही रहता था कि मेरी शाम को 2 बजे से 8 बजे तक, मतलब दोपहर को 2 से शाम के 8 तक क्लास रहती थी, तो ये 6 घंटे तो क्लास में चले जाते थे। तो उसके बाद जब मैं घर आता था तो खाना वाना खा के फिर 9 बजे, मतलब मेरा एक फिक्स शेड्यूल था, मैंने 2 साल स्ट्रिक्टली वही शेड्यूल फॉलो किया, बहुत कम बार चेंज किया। तो 9 बजे से लेके रात के 2 बजे तक मैं, मतलब नाइट आउल टाइप्स था, तो मैं रात को पढ़ाई करना प्रेफर करता था, तो रात को 9 बजे से 10 बजे 2 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। और उसके बाद सुबह लगभग 10 बजे के आसपास उठ के फिर ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके सुबह ट्राई करता था कि 1 या 2 घंटे रिवीजन कर लूँ। सो बेसिकली यही मेरा शेड्यूल रहता था। सो आप जो डेली पढ़ते थे उसको उसी दिन रिवाइज करते थे? हाँ जी हाँ, जो डेली पढ़ाया जाता था 2 से 8 बजे तक, वो मैं श्योरली रोज के रोज रिवाइज करता था। जो होमवर्क मिलता था, कुछ क्वेश्चन होते थे, उनको मैं घर आके पक्का रिवाइज करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे स्ट्रेटेजी में कि मैं रोज की चीज़ें रोज श्योरली रिवाइज करता ही करता था। ओके बिल्कुल सही। सो आप अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? जैसे आपने बताया कि मैं इतने स्टडी किया, तो माइंड को रिलैक्स करना ज़रूरी हो जाता है, तो आपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए क्या किया? माइंड को रिलैक्स करने के लिए बेसिकली हम टेबल टेनिस खेला करते थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनकी भी अच्छी रैंक थी, तो वो हम सभी साथ में ब्रेक लिया करते थे तो टेबल टेनिस खेल लेते थे, या फिर मूवीज़ देखने की भी मुझे एक हॉबी टाइप थी, तो मतलब कभी कभार मूवीज़ भी देख लेते थे, लेकिन बेसिकली ज़्यादा टाइम स्टडीज़ पे ही देते थे, बहुत कम टाइम हम मतलब बाकी सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करते थे, तो बेसिकली टेबल टेनिस या फिर कुछ मूवीज़ वगैरह देख लिया करते थे। ओके, सो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी, प्लान्स क्या होते थे कि मेरे को इस सब्जेक्ट को इस तरीके से करना है, वो बताएंगे आप? जी हाँ सर, बेसिकली नीट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में भी 3 टॉपिक्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो सबकी स्ट्रैटेजीज बेसिकली अलग अलग होती है। बायोलॉजी के लिए तो मैं यही मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें लोग समझते हैं कि रट्टे मारने वाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी होते हैं, तो याद भी रखना होता है और कंसेप्ट भी समझने होते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी के लिए मैं कुछ नोट्स लिखता था, उनको बार बार पढ़ता था ताकि वो चीज़ें याद भी हो जाए और जो समझा है उसको मैं बार बार रिवाइज भी कर पाऊँ। फिजिक्स में मैं बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता था, क्योंकि फिजिक्स ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने से हो जाता है, वो एक स्किल होती है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। तो फिजिक्स की मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था ताकि उससे मेरे फॉर्मूले भी याद हो जाते थे और धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलती रहती थी। सेम चीज़ मैं फिजिकल केमिस्ट्री में भी अप्लाई करता था। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी होती है, उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री की भी स्ट्रैटेजी फिजिक्स जैसी थी। और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें थोड़ा याद करने वाला पार्ट होता है, तो बेसिकली मैं उसको बार बार रिवाइज करता था ताकि याद हो जाए, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था ताकि जो फॉर्मूलाज है या फिर जो कुछ कंसेप्ट है वो रिवाइज होती रहे। देखो, माना जाता है कि नीट के लिए जो बच्चे डरते हैं जिस सब्जेक्ट से, वो होता है फिजिक्स। आपको पता होगा, तो आपने फिजिक्स को किस तरीके से लिया? फिजिक्स से डर तो सभी को लगता है, मतलब शुरू में जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी यही सुना था कि फिजिक्स बहुत टफ होता है एंड ऑल। सो धीरे धीरे मेरा भी शुरू में टफ, मतलब शुरू में मेरे कम मार्क्स आते थे फिजिक्स में, लेकिन धीरे धीरे फिर मार्क्स इंप्रूव होते गए, तो धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करो तो फिर फिजिक्स इंप्रूव होता है। और मतलब फाइनली तो 11th के एंड तक आई थिंक मेरा फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था, कि मतलब उसमें बहुत कम गलतियाँ होती थी, तो अगर आप एक बार उसको मास्टर कर लो फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए फिजिक्स में। तो ओके। सो साहिल, आपने डिफिकल्टीज काफ़ी फेस की होंगी प्रिपरेशन के दौरान, तो बताएंगे आप हमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी जो आपने फेस की? हाँ, 2 साल के दौरान तो मैंने मतलब काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस की एक्चुअली। जैसे आप होम टाउन से कहीं और शिफ्ट होते हो तो मतलब बहुत सारी आपका होम टाउन अलग होता है और फिर वहाँ पे आपको बहुत नई प्रॉब्लम्स फेस होती है, जैसे फूड होता है या फिर बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सब डिफिकल्टीज आई, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ आदत भी हो गई। ट्राई करता था कि इन डिफिकल्टीज पे ध्यान ना देके मैं अपनी प्राइमरी एम जो स्टडी है, जो एम्स में सीट है, उस पर ही फोकस कर सकूँ। तो बेसिकली जो एक मोटिवेशन था पढ़ने का, कि मतलब पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया एंड ऑल, वो सब मोटिवेशन के कारण मैं स्टडीज पे फोकस कर पाता था इन डिफिकल्टीज को मन से हटा के। ओके। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर टर्निंग पॉइंट को क्या मानते हैं? मेरी प्रिपरेशन में टर्निंग पॉइंट यही था कि 11th के एंड में सबसे पहले मतलब मेरा पहले बायोलॉजी में बहुत कम स्कोर आता था, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरली शॉर्ट आउट हो चुके थे तो उनमें अच्छा स्कोर रहता था, और उसके बाद बायोलॉजी में थोड़ा कम स्कोर आने लगा था। तो बायोलॉजी को मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं बहुत टेस्ट के किसी भी मॉक टेस्ट के बहुत पहले रिवाइज करके छोड़ देता था, तो फिर बाद में जब मैंने बायोलॉजी को एंड में रिवाइज करना स्टार्ट किया तब से अचानक मेरा स्कोर बूस्ट हुआ, मतलब 640 630 के रेंज से सीधा 700 की रेंज आ गई थी मॉक टेस्ट्स में, तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सो साहिल, आपको प्रिपरेशन के टाइम कभी ऐसा लगा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा बस, मतलब कभी ऐसा लगा? हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है कि मतलब आप अगर टेस्ट में बहुत पीछे चले जाते हो या फिर आपके फ्रेंड्स की बहुत अच्छी रैंक आ जाती है और आपकी रैंक बहुत ख़राब हो जाती है, तो जेन्युइनली है कि ऐसा लगता ही है कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मतलब थोड़ा सा ऐसा निगेटिविटी सी मन में भर जाती है। बट ऐसे टाइम स्पेशली मेरे पापा, वो मेरे बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में थे, ही वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग 2 ईयर जर्नी, सो वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहते थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते थे या फिर हंसी मजाक कर लिया करते थे, और एक ही बात मोटिवेट करते थे कि अगले टेस्ट में इससे बहुत बढ़िया करना है, इसे डिमोटिवेट नहीं होना है, इसको पॉजिटिवली लेके ये सारी मिस्टेक्स वापस कभी रिपीट नहीं करनी है, बस यही मोटिवेट करते थे। सो साहिल, आपके जो फेलियर्स थे, जैसे आपने बताया कि मेरे कम मार्क्स आते थे कभी कुछ होता था, तो आप इन फेलियर्स को कैसे मैनेज किया आपने? आपकी लाइफ में और भी फेलियर्स आए होंगे पहले भी, सो बताएंगे आपने फेलियर्स को कैसे मैनेज किया? जी हाँ सर, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बट जैसे हमने सबने सुना है कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, तो जब भी कोई टेस्ट में मेरे कम मार्क्स वगैरह आते थे तो मैं सबसे पहले उसको एनालाइज करता था कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, किस किस एरिया में गलती हुई है, किस सेक्शन में गलती हुई है, तो फिर उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं उसको रिवाइज करता था। पहले तो अलग अलग बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लेता था या फिर उस पर और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था ताकि आगे चल के जब भी वो क्वेश्चन आए, उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो मेरा कभी गलत ना हो। तो धीरे 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 मेरे वीकनेसेस को मैं दूर करता गया और धीरे धीरे जो स्कोर है वो इम्प्रूव होते गया, एंड फाइनली फिर नीट में 700 out of 720 स्कोर हो पाया। ओके। सो अभी आपने बताया कि कम मार्क्स आते थे, तो शायद कभी ऐसा भी होगा कि आपके ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, हाँ जी ठीक है? तो आप, तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है,
तो आपने इस ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे मैनेज किया? हाँ ये मेरे साथ मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता था कि 12th में जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले ही टेस्ट में मेरे मतलब मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो एक जनरल ऐसा होता है कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन ऐसे इस टाइम जो हमारे मेंटर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने बहुत मतलब मेरे को इंकरेज किया कि उन्होंने मतलब समझाया कि ये जो मॉक टेस्ट के मार्क्स है या फिर जो भी अभी तुम छोटी मोटी सक्सेस पा रहे हो, ये कोई अल्टीमेट हमारा गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल तो है कि नीट में स्कोर करना, वो 3 घंटे कैसे निकलेंगे इस पे ही हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो मैं हमेशा जब भी कुछ अच्छे मार्क्स आते थे तब भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता था, ट्राई करता था कि अपनी इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकूँ, ये रैंक कभी इसके नीचे ना जाए, तो यही सब ट्राई करता था और इसमें टीचर्स ने बहुत हेल्प की। सो साहिल, जो सोशल मीडिया होता है वो आजकल काफ़ी चल रहा है और बच्चे यूज़ भी करते हैं, तो आप प्रिपरेशन के टाइम सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे? नहीं सर, मैंने कम्प्लीटली 2 साल के लिए सोशल मीडिया से मैं कम्प्लीटली बाहर ही था। मतलब कोई कोई मैंने ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसी पे भी एक्टिवनेस नहीं दिखाई। मैं अगर कुछ डाउट्स होते थे तो वो टीचर्स को सीधा फ़ोन कॉल कर लिया करता था या फिर उनको मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर दिया करता था। सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव नहीं था 2 साल। तो आपकी जो प्रिपरेशन थी, जो आपकी सक्सेस थी, इसके अंदर आपकी फैमिली का और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा था? प्रिपरेशन के मतलब मेरी 2 साल के प्रिपरेशन में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो स्पेशली मेरे फैमिली में, और फैमिली में भी मेरी दादी और मेरे पापा का है, क्योंकि दादी कम्प्लीटली मेरे साथ ही थी। जब मैं कोटा में रहता था तो दादी मेरे साथ ही रहती थी, तो वो हर टाइम मेरे साथ ही थी कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो मोटिवेट करना, खराब मार्क्स आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी मोटिवेट ही करते थे कि ठीक है अगली बार और अच्छा करना। तो दादी का बहुत अच्छा रोल था, और मेरे पापा भी, जिस मैंने पहले बताया कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और फ्रेंड्स का हमारा 4 लोगों का ग्रुप था, हम चारों दोस्त मतलब सारी चीज़ें साथ में डिस्कस कर लिया करते थे, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करते थे, अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी एक को नहीं समझ आई तो सब मिलके कोशिश करते थे कि उसको भी वो समझ में आए, और अल्टीमेटली सभी की बहुत अच्छी रैंक्स है, मतलब टॉप 100 में ये तो सभी। बता सकते हैं कौन हाँ कौन मतलब हम आपके चार चार दोस्त दोस्त? थे, ऑल इंडिया रैंक 1 शोएब अख्तर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ऑल इंडिया रैंक 21 कार्तिकेय अग्रवाल, वो भी बहुत अच्छा दोस्त है, और ऑल इंडिया रैंक 104 अनुराग भाई कोठारी, वो भी मेरा मतलब हम चारों दोस्त का ग्रुप था, तो हम हमेशा 2 साल साथ ही रहे। आपका रोल मॉडल कौन आपकी लाइफ में? मेरे रोल मॉडल मेरे फैमिली मेंबर्स ही है, मेरे पापा और मेरे दादाजी। स्पेशली दादाजी से मेरे को यही मोटिवेशन मिला कि आगे चल के मेरे को मेडिसिन में एक अच्छा डॉक्टर बनना है, और कोशिश यही करनी है कि मैं पेशेंट्स को बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकूं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, और अपनी तरफ से उनके लिए कम्प्लीटली जस्टिस कर सकूं। तो मेरे दादाजी से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली, इज़ लाइक रोल मॉडल फॉर मी। आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपके दादाजी आपके बहुत करीब थे। तो आपकी जो ये सक्सेस है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? तो मैंने अभी तक जितनी बात करी है, मेरे हिसाब से आप अपने दादाजी को देना चाहेंगे, अपने फादर को? जी हाँ, सक्सेस का क्रेडिट तो वैसे सभी को जाता है, टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, स्पेशली मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरी दादी, एंड ऑफ कोर्स मेरी मम्मी और मेरा भाई भी, उन्होंने भी काफ़ी इनकरेज किया। तो सक्सेस ऐसी कोई ये नहीं कि इंस्टेंटली आपको मिल जाता है, इसमें सबका रोल होता है, और अगर एक भी रोल ना हो तो मुश्किल हो जाता है। सो क्रेडिट गोज़ टू टीचर्स एंड फैमिलीज एंड इनफैक्ट एलन। साहिल, कोरोना आ गया था बीच में, COVID-19, ठीक है? तो आपको लगता है कि यदि आपका मई को, जो 3 मई को शायद एग्ज़ाम होना था आपका, यस सर, तो यदि 3 मई को आपका एग्ज़ाम होता तो आपको लगता है कि आप इतना स्कोर कर पाते? हाँ, इनफैक्ट अगर 3 मई को भी एग्ज़ाम हो जाती तब भी मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी कि हो जाता, अच्छा स्कोर हो जाता, लेकिन उसके बाद एक और डेट आई थी 26 जुलाई, तो अगर 26 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाती तो हो सकता है कि इतना स्कोर ना आए। इसका मेन रीज़न यही था कि जैसे मतलब आपने यही प्रिपेयर किया है कि 3 मई को एग्ज़ाम होगी, फिर अचानक से न्यूज़ में आता है कि एग्ज़ाम डिले हो गई, तो थोड़ा सा एक सेटबैक सा आ ही जाता है कि आप डिले हो जाते हो पढ़ाई में। लेकिन जब 26 जुलाई से आगे वापस पोस्टपोन्ड हुई एग्ज़ाम, तो फिर वापस मोटिवेशन मिला कि सब पेरेंट्स से समझाया कि नहीं इस बार तो अच्छा करना ही है, तो फिर तब यही कोशिश की कि अपने स्कोर को मेंटेन कर सकूं। जो ये सिचुएशन थी, लॉकडाउन था, इसके अंदर आपका क्या शेड्यूल रहता था? क्योंकि आप जाते थे नहीं इंस्टीट्यूट में, जाते थे नहीं, घर पे रहते थे, और इस टाइम आपका क्या शेड्यूल रहता था आपका? लॉकडाउन के दौरान मतलब मैं सुबह थोड़ा लेट उठता था, क्योंकि मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं रात को पढ़ाई करता हूँ, तो सुबह हाँ, लेट उठता था, बिल्कुल। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके कोशिश करता था कि सुबह एक 4 घंटे का स्लॉट पढ़ाई कर सकूँ, तो 4 आवर्स में सुबह पढ़ता था, फिर उसके बाद खाना वाना खा के दोपहर में एक छोटा सा नैप लेता था, और उसके बाद फिर वापस एक बड़ा स्लॉट लेता था। तो लॉकडाउन में ऑन एन एवरेज मैंने 9 to 10 आवर्स डेली स्टडी की। मतलब पूरा फायदा उठाया आपने लॉकडाउन का। हाँ जी हाँ, थोड़ा ढीला बनाया था ज़रूर, लेकिन उसके बाद फिर मैं वापस ट्रैक पे आ गया और फिर मैंने बहुत फ़ायदा उठाया लॉकडाउन।
सो एट लास्ट आप हमें जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं जो आगे नीट के लिए अपियर होंगे उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? जी हाँ सर, अभी जैसे अगले साल जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको बस यही टिप देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहे अपनी स्टडी में, कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और कभी डिमोटिवेट भी ना हो, अपनी स्टडी को कंसिस्टेंट रखे और अपने फैमिली के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे, अपने रोल मॉडल को हमेशा फॉलो करते रहे एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी। थैंक सो थैंक यू सो मच साई, एट यू लास्ट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू साहिल फॉर कनेक्टिंग अस।